हमारा आज का टॉपिक है इडिमा। व्हाट इज इडिमा? इडिमा इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस और सीरस कैविटी। इट बिकम्स इविडेंट ओनली व्हेन 5 to 6 लीटर ऑफ फ्लूड हैज एक्यूमुलेटेड इन द वाटर डिपोट्स। पिटिंग ऑन प्रेशर ओकर व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लिम्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%। मैकेनिज्म। One or more of the following factors may be responsible. First, increased capillary permeability when it is damaged. Example is acute inflammation. Increased capillary pressure. Example, cardiac failure. Decreased osmotic pressure of the blood. Example, hypoproteinemia. Damaged lymphatic drainage. Example is filariasis. साइट की बात करें तो वेनस इडिमा कॉमनली ओकर इन द लोअर लिम्स विच आर द मोस्ट डिपेंडेंट। हाउ एवर इफ द पेशेंट इज रिकम्बेंड इडिमा मे बी प्रेजेंट ओनली ओवर द सैक्रल रीजन विच इज देन मोस्ट डिपेंडेंट। लिम्फेटिक इडिमा मे ओकर इन आइदर लिम्स और ओवर स्क्रोटम डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। एंड नेक्स्ट इज कोजेस। तो इडिमा के दो कोजेस हो सकते हैं, मतलब इडिमा दो तरह से हो सकती है, एक तो यूनिलेटरल हो सकती है और दूसरा बाइलेटरल हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं बाइलेटरल। बाइलेटरल में कौन कौन से कोजेस हैं या किस किस वजह से हमें बाइलेटरल इडिमा देखने को मिलती है। तो फर्स्ट है हमारा सबसे फर्स्ट मोस्ट कॉमन मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कार्डियक। कार्डियक हो सकता है, CCF हो सकता है, LVF हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस। LVF है ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। रेनल में हो सकता है, जैसे एक्यूट नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकता है। हेपेटिक में सिरोसिस ऑफ लीवर और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। वेनस में इन्फीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। एंडोक्राइन में मिक्सडीमा हो सकता है। एलर्जी की वजह से भी हमें बाइलेटरल इडिमा देखने को मिलती है, जैसे एनजियो न्यूरोटिक एडिमा। न्यूट्रिशनल की कमी से या न्यूट्रिशनल में भी हमें बाइलेटरल इडिमा देखने को, जैसे एनीमिया में हो सकता है और हाइपोप्रोटीनीमिया में हो सकता है और बेरीबेरी में हो सकता है। और टॉक्सिक, किसी भी चीज़ का टॉक्सिक इफेक्ट पड़ रहा है तो उसमें भी हमें बाइलेटरल इडिमा देखने को मिलता है, जैसे एपिडेमिक ड्रॉप्स। ओके, ये इमेज है बाइलेटरल इडिमा का, बाइलेटरल पिटिंग एडिमा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा यूनिलेटरल। यूनिलेटरल इडिमा के कॉजेज़ क्या है? सबसे फर्स्ट है लिम्फेटिक। लिम्फेटिक में एक फिलेरियसिस हो सकता है, फिलेरियस को एलेम्फेंटाइटिसिस भी कहते हैं। प्रेशर बाय न्यू ग्रोथ सेल्स जो होती है उसकी वजह से मेटास्टेसिस। रेडिएशन की वजह से हो सकता है। ट्रूमेटिक ब्रूसिस मतलब खरोंचे आ जाना, तो उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है धीरे धीरे फ्लूड। और स्प्रेन्स मुड़ाव यानी कि मरोड़ गया और फ्रैक्चर की वजह से भी हमें। इन्फेक्शन में सेल्यूलाइटिस, बॉयल और कार्बिंकल। मेटाबॉलिक में आता है गाउट, जिसमें लैक्टिक एसिड का क्या होता है, जमा होने लगता है। वेनस में वेरिकोज वैन हो सकती है और वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। और हेरिडिटी में मिलरोइस डिसीज की वजह से भी हमें यूनिलेटरल इडिमा देखने को मिलता है। ये है हमारा यूनिलेटरल इडिमा, फिलेरियासिस जिसे एलेफेंटाइटिस भी कहते हैं। और एक और है ये वेरिकोज वेंस, जिसमें ये वेंस दिख रही होगी जो क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पर भी हमारे क्या फ्लूड का एक्यूमुलेशन होने लगा है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो फर्स्ट वही सब सारे कॉजेस के डायग्नोसिस आएंगे यहाँ पर। फर्स्ट है हमारा, जैसे हमने कार्डियक का देखे थे तो कार्डियक में तीन हो रहे थे, कौन सा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर यानी CCF, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर यानी LVF और पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन की वजह से। फर्स्ट है हमारा कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। द इडिमा इज फाउंड ऑन द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज ग्रेविटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। हैंस इन एन एम्बुलेटरी पेशेंट्स इडिमा इज इन द फीट, ankles and legs, where is in the recumbent patient it is mainly over the sacrum, lumbar region and genitalia. It is most marked
in the evening. Left ventricular failure. Accumulation of fluid in the lungs occur much earlier than edema of the feet, resulting in dyspnea, cough and basal rales. Pericardial infusion, जिसे हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले pericarditis बोला था. Since there is a obstruction to the flow of blood into the right atrium, edema of feet may occur. But no edema of lungs occur because the heart is able to pump the little blood is receives into the lungs and general circulation. It is associated with rise JVP. Hepatomegaly and ascites. JVP means jugular venous pulse. तो अभी हमने पढ़ा कार्डियक में congestive cardiac failure, left ventricular failure, pericardial infusion. इन तीनों की वजह से ही हमें bilateral edema देखने को मिलता है. अब आता है renal यानी कि kidney, इसमें भी हमें bilateral edema देखने को मिलता है. तो फर्स्ट है हमारा एक्यूट नेफ्राइटिस. एक्यूट नेफ्राइटिस में क्या होता है, इडिमा इज जनरलाइज्ड एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट इज़ मोर नोटिसेबल इन द अर्ली मॉर्निंग. क्योंकि पेशेंट रात भर रेस्ट करता है तो उसमें फ्लूड एक्यूमुलेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. द फ्लूड एक्यूमुलेट्स इनिशियली इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू. हैंस इट इज़ द मोस्ट मार्क्ड अराउंड द आईलिड्स एंड फेस. The cause of edema is damage to the endothelial lining of the capillaries. ठीक है, जो edema होता है वो damage किसको करता है, हमारे endothelial lining को of the capillaries की. Okay, disturbance of fluid and sodium excretion and later also due to hypoproteinemia. Okay. Nephrotic syndrome. Swelling is generalized and massive due to hypoproteinemia following massive albuminuria. Albuminuria. अब हेपेटिक. हेपेटिक में हमने देखा था एक तो लीवर सिरोसिस और दूसरा देखा था पोर्टल हाइपरटेंशन. ओके, तो पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, हियर एसआईटीज. एसआईटीज की वजह से क्या हो रहा है कि पोर्टल हाइपरटेंशन में जा रहा है, जिससे हमारे को क्या हो रहा है, लेग्स में इडिमा देखने मिल रहा है. हियर एसआईटीज ओकर्स बिफोर इडिमा ऑफ फीट. दिस ओकर ड्यू टू हाइपोप्रोटीनीमिया एंड कंप्रेशन ऑफ द हेपेटिक ब्रांचेस ऑफ द पोर्टल वेन. एसआईटीज लीड्स टू प्रेशर ऑन द वेनस सर्कुलेशन इन द लोअर लिम्स लीड्स टू इडिमा ऑफ द लेग्स. वेनस. नेक्स्ट है वेनस. वेनस में हमने देखा था आई वी के सी इन्फीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन. दिस कैरेक्टराइज्ड बाय बाइलेटरल नॉन डिपेंडेंट पेनलेस पिटिंग एडिमा. कोलेट्रल डायलेटेड वेन्स आर यूजली प्रेजेंट इन द फ्लैंक्स विथ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स. नेक्स्ट है एंडोक्राइन मिक्सडिमा. हियर इडिमा इज नो पिटिंग एसोशिएटेड विथ पफी फेस, वेट गेन, वीकनेस, एलोपेशिया, हॉर्स वॉइस, रफ ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस. नेक्स्ट है एलर्जी. एलर्जी में आता है एंजियोन्यूरोटिक एडिमा. दिस ऑफन रिसेंबल मिक्सडिमा विथ स्वेलिंग ओवर द फेस एंड लिम्स. देयर इज यूजली इंटेंस ईचिंग एंड ब्रोंकोस्पास्म. न्यूट्रिशनल में अगर दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपेंडेंट इडिमा विथ पफनेस ऑफ फेस, पैलर एंड कचेक्सिया. नेक्स्ट है फिलेरियसिस की वजह से. तो फिलेरियसिस इडिमा ओकर्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक फिल्टर एक्शन ऑफ द लिम्फ ग्लैंड्स विथ कॉन्सिक्वेंट ब्लॉकिंग एंड डायलेशन ऑफ द लिम्फ वेसल्स. सब्सिक्वेंटली देयर इज ट्रांसुडेट ऑफ लिम्फ रिच इन प्रोटीन into the tissue lateral later connective tissue proliferate leading to elephantitis. This is characterized by unilateral non-pitting edema with rough skin. There may be history of fever with rigors especially at night. Okay, क्या है, there may be history of fever with rigors especially at nights and initially pitting edema. Blood semir may show microfilaria. Next, gout. This commonly affects the big toe with marked
pan edema with deformity of the part involved. Tophi may be present. There may be history of renal colic or renal stone. Venous thrombosis. This is characterized by unilateral painful pitting edema. Okay. Unilateral edema में जैसे कि हमने मिलरोइस डिजीज, फेलेरेसिस, गाउट, सेल्यूलाइटिस और वेनस थ्रोम्बोसिस. यूनिलेटरल में अगर मिलरोइस डिजीज यानी कि जो फ्रॉम बर्थ यानी कि जेनेटिक है उसमें हमें क्या होगा, पेनलेस होगी वो. लेट ऑनसेट फिलेरियसिस, ओके लेट ऑनसेट हो रहा है उसकी तो फिलेरियसिस हो गया, उसके लेट ऑनसेट अगर इडीमा हो रहा है तो उसमें क्या होगा, पेनलेस होगा. पेनफुल इडीमा किस में होगा, गाउट में होता है, सेल्यूलाइटिस में हो सकता है. फिलेरियसिस में कब होगा, जब पूरा पैर इन्वॉल्व होता है यानी पूरा लिम्ब उसका इन्वॉल्व होता है, लीनियर एंड स्ट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, तब वो फिलेरियसिस में क्या होता है, पेनफुल इडीमा होता है. और वेनस थ्रोम्बोसिस में ये सब पूरा सब कुछ अप, मतलब कि लीनियर एंड स्ट्रिक्स अपसेंट होंगे, होल लिम्ब जो रहेगा उसमें वो अपसेंट होगा, तो वेनस थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, पेनफुल होता है. ओके बायलेटरल के जैसे कि हमने कोज देख लिए, बायलेटरल इडीमा हो सकता है जैसे कि सबसे फर्स्ट इसमें दे रखा है माल न्यूट्रिशन PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्वांसिल ऑर्गन. ओके दूसरा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें हाइपरटेंशन हो सकता है, हिमेट्यूरिया हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, हाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है, हाइपर लिपिडीमिया हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है और लिपिड यूरिया हो सकता है. एंजियोन्यूरोटिक इडीमा हो सकता है जिसमें क्या हो सकता है, वीजिंग और इचिंग होती है. उसके बाद मिक्स इडीमा हो सकता है, मिक्स इडीमा किसके जिस कॉन्स्टिपेशन, रफ स्किन और हॉर्स वॉइस जो होता है इसमें मिक्स इडीमा की वजह से. ओके दूसरा है इन्फीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है इसमें मैसिव इडीमा फिट होती है और स्प्लिनोमेगेली में पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से स्प्लिनोमेगेली होती है. उसके बाद जुगलर वेनस पल्स में एसाइटिस हेपेटोमेगेली यानी पेरिकार्डियल इन्फ्यूज़न की वजह से अपना हेपेटोमेगेली होगा. उसके बाद में पीटिंग में पॉलीएथराइटिस हो सकता है, LVF काई में होता है हमें फिट में, अगर हमारे किसी भी इडीमा फिट में हो रहा है तो उसके तीन बताए थे, LVF यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, कार्डियक फेल्योर और न्यूट्रिशनल की वजह से भी, न्यूट्रिशनल कि उसमें अपसेंट रहता है पर कार्डाइटिस की वजह से उसमें होता है. जनरलाइज्ड में अगर जैसे कि किसी को ऑटोमेटिक जेनेटिक हो रहा है तो वो इडियोपैथिक इडीमा होता है. उसके बाद में यूरेटिक इंटेक में यूरेटिक इंड्यूस की वजह से भी हमें वो इडीमा होता है. ड्रग्स की बात कर लेते हैं कि अगर किसी को इडीमा हो रहा है तो उसमें किस तरह की ड्रग्स चलती हैं, तो ड्रग्स इसमें आती है ड्रग्स कॉजिंग इडीमा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एस्ट्रोजेंस, स्टेरॉइड्स और कार्बेनोक्सोलोन. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग.